जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जनपद के सभी विधानसभा के मतदाता पुनरीक्षण व विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा बैठक सदर तहसील के सभागार में संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मतदान स्थलों पर समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए तथा दिव्यांग जनों व 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र और रैंप की व्यवस्था के साथ उनको मतदान केंद्र तक लाने की व्यवस्था किया जाए तथा मतदाताओं को बढ़ाने के लिए स्वीप की कार्य योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिसकी देखरेख करने के लिए नोडल अधिकारी CDO को बनाया गया है, जो घर घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति वोटर आईडी कार्ड बनवाने से छूटा तो नहीं है तथा आचार संहिता का पालन करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, तहसीलदार सदर विकास कुमार, न्यायिक तहसीलदार नीलम तिवारी, ACM रोहित मौर्य, CEO कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह, CEO चौरी चौरा अखिलानंद उपाध्याय सहित लेखपाल व कानूनगो मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, तीनों विधानसभा के सभी मतदान अधिकारी कर्मचारियों का स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, सभी AROs और सुपरवाइजर मैं उम्मीद करता हूँ कि उपस्थित हैं और ज्ञान से मेरी बात समझेंगे। अगले 2 महीने में माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में हमें विशेष रूप से कार्य करते हुए इसको पूरा करना है। जो मैंने एजेंडा बिंदु जारी किए थे उसके बिंदु पे आप लोगों ने उम्मीद है कि काम करेंगे। कुछ घटकों में विशेष रूप से हम काम करें, लेकिन सबसे पहले हमारी हम सब का एक अंडरलाइन टीम हमें समझना पड़ेगा, अंडरलाइन कमिटमेंट। और इस इलेक्शन को एक टेक्स्ट बुक की तरह, इलेक्शन होता है मैनुअल के अनुसार, आयोग के निर्देशों के क्रम में 100% शत प्रतिशत पालन करते हुए कराना पड़ेगा। सबसे पहले सबको मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, ये जो हमारा इलेक्शन हो रहा है ये क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा विश्व युद्ध होता है, एलाइज पावर जो होते हैं अमेरिका, रूस और ब्रिटेन और उनके साथ सहयोगी देशों के बीच में होता है, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन की जनता का पर्सनैलिटी नहीं था। वॉर के लिए वो लीडरशिप देने को बहुत अच्छे हैं और ब्रिटेन की जनता ने उनको वोट आउट करने सोचो, जिसने उसके बाद वो आर्मी उनका समर्थन वो देश उनकी जनता नहीं करता। विजय जनरल से पूछा गया, तीन विधानसभा क्षेत्रों के सभी संबंधित अधिकारीगण कर्मचारीगण के साथ बैठक की गई है, इसमें मुख्य रूप से मतदाताओं के सुविधा युक्त फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए अवस्थापना संदर्भ करने के लिए आज समीक्षा की गई है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक जगह अच्छे सुविधाओं के साथ मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, यहाँ पे हमारे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप की कार्ययोजना स्ट्रेटेजी के अंतर्गत सबको प्रशिक्षण किया गया और उसमें मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित की हैं जो इसमें कार्य करके घर घर भ्रमण करके लोगों को प्रेरित करेंगे। तीसरा, कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में जो आयोग के निर्देश हैं उसके बारे में भी सभी संबंधित को निर्देशित किया गया, उसका पालन करने के लिए अनुश्रवण किया जाएगा और आचार संहिता का पालन करने के लिए भी यहाँ पर निर्देशित किया गया।